तो स्टूडेंट्स, अगर आपको टैली प्राइम में फिक्स एसेट्स के परचेज और सेल की एंट्रीज को पास करना है, एग्जैक्टली कैसे पास करेंगे, या फिर अगर आपके पास नरेशंस है, किसी ने आपसे बोला है कि भाई हमने बिल्डिंग परचेज किया है, हमने लैंड परचेज किया है, हमने फर्नीचर परचेज किया है, और आपको इसको CR DR में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, आज इस वीडियो में आप सारा कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। कुल मिला के थ्योरी एंड लैब का ये कॉम्बो होगा, जहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप नरेशंस को कन्वर्ट करते हैं एग्जैक्टली जनरल एंट्रीज में, और अगर आपके पास जनरल एंट्रीज हैं तो आप उसे कैसे टैली प्राइम में पास करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिंपल से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको इस तरीके का जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए लाइव हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो अब अगर हमें अमेरिकन अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए हमें 5 वर्ड्स पे मास्टरी करनी होगी। पहला वर्ड है एसेट्स का, फिर है एक्सपेंस का, कैपिटल का, लायबिलिटी का एंड रेवेन्यू का। चलिए सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो वैल्यूज़ हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा भविष्य में लिया जाए। हर एक वो चीज़ जिसका लाभ हमारी कंपनी हम भविष्य में करेंगे, जिसका लाभ हम भविष्य में लेंगे, उसे हम एसेट्स कहेंगे। हमारे पास अगर कोई बिल्डिंग पड़ी हुई है, हम उसे प्रेजेंट में यूज़ करें ना करें, लेकिन हम भविष्य में ज़रूर उसका लाभ लेंगे, तो वो एसेट्स होगा। ऐसे ही लैंड क्या है? एसेट्स है, क्योंकि बाद में हम उसका लाभ लेंगे। कैश हमारे पास जो भी पड़ा हुआ है तो वो इसलिए पड़ा हुआ है ताकि ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में हम उसका लाभ ले पाएंगे। ऐसे ही जो भी बैंक अकाउंट में हमारे पैसा पड़ा हुआ है वो भी हमारा एसेट्स है, उसका लाभ भी हम भविष्य में लेंगे। कंप्यूटर है आपके पास, उसका लाभ भी आप बाद में ले पाएंगे। मशीन है, टूल्स है, फर्नीचर है, डेप्टर है, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, जिसे हम डेप्टर कहेंगे, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो वो भी आपका एसेट्स होगा क्योंकि वो आपको लाभ भविष्य में देगा। ऐसे ही अगर आपने कोई गाड़ी परचेस की है, व्हीकल है आपके पास, तो वो भी आपका एसेट्स का हिस्सा होगा क्योंकि उसका लाभ भी आप बाद में यानी भविष्य में ले पाएंगे। ठीक है, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप कि आपको ये समझने में। जो भी चीज़ आपको दिखती है, जो आपके पास है, आपके कपड़े हैं, आपके पास कार है, आपके बिल्डिंग है, आपके पास आपकी ज़मीन है, लैंड जिसको हम बोलते हैं, बैंक में जितना वो पैसा है, आपका कैश आपके पास पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा आपका एसेट्स कहलाएगा। अब एक सिंपल रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, जब भी हमारे पास एसेट्स बढ़ेंगे तो उसको हम प्लस को हम क्या करेंगे, बाय या DR करेंगे, और जब भी हमारे पास एसेट्स घटेंगे उनको हम 2 या CR करेंगे। समझने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, एक एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ है फर्म परचेज्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000। जब हमारी फर्म 50,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदेगी तो हमारे पास क्या प्लस होगा और क्या माइनस होगा? तो जब हमारी कंपनी जब 50,000 रुपये का कंप्यूटर परचेज करेगी तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्लस कंप्यूटर जो कि कितने का है, 50,000 रुपये का है, क्या है, एसेट्स है। तो प्लस कंप्यूटर जो कि एक एसेट्स है 50,000 रुपये, और उसके बदले चूंकि आपने कंप्यूटर लिया है तो आपको कैश देना पड़ा है, तो आपने माइनस कैश, एसेट्स हैं जो कि आपके 50,000 रुपये, यानी दोनों का बराबर बराबर ट्रांजेक्शन हो रहा है। आप डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हो तो आपके पास कंप्यूटर आया है, उसके बदले आपने माइनस किया है कैश अपना 50,000। अब आपका रूल ये कहता है कि जहां पे भी प्लस का सिंबल होगा उसको हटाकर हम उसकी जगह पे बाई या DR कर सकते हैं। तो मैंने यहां से प्लस सिंबल हटाया और कर दिया बाई कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज़। वहीं जहां माइनस सिंबल है उसको हटाकर हम उसकी जगह पे 2 का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने कर दिया 2 कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। आई होप समझ में आया होगा आपको। कुछ और एंट्रीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्म ने बेचा है फर्नीचर 30,000 रुपये का। ठीक है, फर्म ने 30,000 रुपये का फर्नीचर बेचा है। तो जब आप फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर आपका घट जाएगा, चूंकि आप फर्नीचर चला जाएगा आपके पास से, तो मैंने फर्नीचर माइनस कर दिया है 30,000 रुपये। जब आपका फर्नीचर जाएगा, माइनस होगा, तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। तो इस बार हमें कैश मिला है, पिछली बार कैश दिया था, तो इस बार हमने प्लस कैश कर लिया जो कि एसेट्स है 30,000 रुपये। तो माइनस फर्नीचर प्लस कैश। अब माइनस सिंबल का हटाएंगे, उसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे 2, तो यहाँ पर आ गया 2 फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपीज़, और प्लस सिंबल हटाएंगे उसकी जगह पे हम करेंगे बाय, तो हमने कर दिया बाय कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़। ये एंट्री बनकर आपकी तैयार हो गई। अगली एंट्री लिखी हुई है फर्म ने परचेज किया है फर्नीचर 30,000 रुपये का, यानी जस्ट अपोजिट है, पहले में बेच रहा है, दूसरे में खरीद रहा है। तो जब इस बार खरीदेगा तो फर्नीचर प्लस हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा, तो 30,000 रुपीज़।
फिर हम प्लस सिंबल हटाएंगे और कर देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपीज़, और माइनस कैश अकाउंट, यहाँ पर माइनस की जगह पे हम 2 कर देंगे, कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़। अगली एंट्री देखिए, फर्म ने 30,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए हैं। तो देखिए, बैंक भी आप ही का है और कैश भी आप ही का है। जब आप अपने SBI बैंक में 30,000 रुपये जमा करेंगे तो आपको वो बैंक जिसमें आप पैसे जमा करते हैं वो बढ़ेगी, कितनी, 30,000 रुपये। तो मैंने प्लस SBI 30,000 रुपीज़ कर दिया, और उसके बदले चूंकि आपने कैश जमा किए हैं तो कैश घट जाएगा तब बैंक बढ़ेगा, तो मैं यहाँ पर माइनस कैश कर दिया है 30,000 रुपीज़। प्लस सिंबल हटाएंगे, बाई करेंगे तो बाई SBI अकाउंट 30,000 रुपीज़, और माइनस सिंबल हटाएंगे, टू करेंगे टू कैश अकाउंट 30,000 रुपीज़। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आगे एंट्री लिखी हुई है, फर्म ने लैंड परचेस की है 5 लाख की। तो जब फर्म हमारी 5 लाख की ज़मीन खरीदेगी तो ज़मीन हमारे पास प्लस हो जाएगी, तो प्लस लैंड अकाउंट 5 लाख रुपीज़, और कैश माइनस हो जाएगा तो माइनस कैश अकाउंट 5 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे अब प्लस हटा दीजिए, तो मैंने कर दिया बाय लैंड अकाउंट 5 लाख और टू कैश अकाउंट 5 लाख। अगली लिखी हुई है, फर्म ने परचेज की है मशीन 10 लाख रुपए की। तो जब 10 लाख रुपए की मशीन खरीदेंगे तो मशीन प्लस हो जाएगी 10 लाख की, और कैश माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस हटाकर हम कर देंगे बाय मशीन एंड टू कैश। आगे लिखा हुआ, फर्म ने इस बार ट्रांसफर किए हैं कितने, 5 लाख रुपए BOB बैंक से SBI बैंक में। तो अगर आपने BOB बैंक से SBI में ट्रांसफर किए हैं तो BOB घटेगा और SBI बढ़ेगा। जिस बैंक में बाद में पैसे जमा होंगे वो बैंक बढ़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो बैंक बढ़ी है उसको प्लस कर दिया, प्लस SBI कितनी बढ़ी है, 5 लाख बढ़ी है, और माइनस मैंने BOB कर दिया, चूँकि 5 लाख रुपये BOB से ट्रांसफर किए गए हैं SBI में, तो BOB आपका घट जाएगा। अब हमने प्लस सिंबल हटाया, बाय SBI कर दिया 5 लाख, और यहाँ से BOB में मैंने, चूँकि माइनस सिंबल था, टू BOB अकाउंट कर दिया 5 लाख रुपीज़। चलिए, वो सारी की सारी एंट्रीज जो पहले लिखी हुई थी उनको यहाँ पे मैंने सीरियल से लिख दिया है, क्योंकि जब आपको लैब करनी होगी तो आपको नरेशंस की नहीं, आपको जनरल एंट्रीज की जरूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, सारी की सारी जनरल एंट्रीज आपके सामने लिखी हैं। अगर आपको टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी आप वर्जन यूज करते हैं, टैली प्राइम, या आपके पास ERP 9 है, कोई भी अगर आपके पास वर्जन है, तो आपको इन एंट्रीज को पास करने के लिए सबसे पहले लेजर्स बनाने पड़ेंगे। लेजर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स आप देखेंगे, जैसे कंप्यूटर वर्ड का जिक्र हुआ है, कैश आया है, फिर कंप्यूटर आया है, फर्नीचर आया है, कैश आया है, फिर फर्नीचर आया है, कैश आया है, लैंड आया है, बिल्डिंग आई है, कैश आया है, मशीन आई है, फर्नीचर आया है। तो देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर वर्ड्स अगर एक दो बार आया है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि हमें दो बार कंप्यूटर लिखना पड़ेगा, हम शुरुआत में ही एक ही बार कंप्यूटर लिखेंगे और उसको हम लिखकर सेव कर देंगे। भाई कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर हमारा एसेट्स है जो कि एक फिक्स एसेट्स माना जाएगा। अब फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या फर्क है, ये आने वाली वीडियो में आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो पहले जितने भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं सबको यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर का यूज किया है जो कि फिक्स एसेट्स है, फिर यहाँ पे फर्नीचर वर्ड आया है तो मैंने लिख दिया फिक्स एसेट्स है। कैश एक्चुअली कैश इन हैंड होता है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, टैली सॉफ्टवेयर में कैश बाय डिफॉल्ट लिखा रहता है, तो कैश को छोड़ दीजिए, बाकी सारे लिख लीजिए। तो कंप्यूटर लिख लिया जो कि फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर लिख दिया जो कि फिक्स एसेट्स है, इसके बाद फर्नीचर तो आपको एक ही बार लिखना होगा, लैंड लिख लीजिए फिक्स एसेट्स है, फिर बिल्डिंग है आपका फिक्स एसेट्स है, यहाँ पर अब कैश नहीं लिखना चूँकि पैसा पहले से लिखा रहता है, मशीन लिख दिया फिक्स एसेट्स है, इसके बाद फर्नीचर चूँकि हम पहले ही लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, SBI ये आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, और BOB ये भी आप ही के बैंक अकाउंट थे। तो इस तरीके से अब हमने, अगर हमें टैली प्राइम में या कोई भी टैली का सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें इस एंट्री को पास करना है, तो हमें सबसे पहले इन लेजर्स को बनाना होगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ वाउचर्स के बारे में अभी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, आगे अभी थोड़ी देर बाद सब कुछ जानेंगे बहुत कायदे से। अभी यहाँ पे पहली एंट्री देखिए, लिखा हुआ है बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज़ एंड टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। कंप्यूटर खरीदा तो कैश गया आपके पास से। तो देखिए यहाँ पे कुछ तीन वर्ड्स अभी जान लीजिए आप, फिर एक है पेमेंट। पेमेंट में क्या होता है, जब आप किसी भी कारणवश किसी को भी पैसा देते हैं, आपने कंप्यूटर खरीदा है तो आपने देना पड़ा है आपको, आप दे रहे हैं, आपने किसी को सैलरी पे किया है तो भी आपके पास से पैसा जा रहा है, किसी भी कारणवश अगर आपके पास से आपका कैश या बैंक किसी और के पास जाता है उसे हम पेमेंट कहते हैं, और वही अगर किसी और का कैश या बैंक हमारे पास आता है किसी भी रूप में, मतलब किसी भी कारण से, उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। तो दो दो हो गए, पहला हमारा पैसा जाएगा तो पेमेंट कहलाएगा, हमारे पास आएगा तो रिसिप्ट कहलाएगा। अगर हमारा पैसा किसी के पास ना जाए और ना ही किसी का पैसा हमारे पास आए, हमारा कैश था उसे हमने बैंक में डाला है
या हमारा बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ था उसे हमने बैंक से निकाला है, या अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, यानी किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसे में आप इसको कॉन्ट्रा कहेंगे। तो फिलहाल तीन वाउचर्स का आप इस्तेमाल करेंगे, पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा। अभी हम इंट्री पास करते जाते हैं और फिर हम देखते जाएंगे कहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इंट्रीज को पास करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं टेलीग्राम सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ और यहाँ से कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर जाता हूँ। ऑल्ट F3 प्रेस करते हुए मैं सबसे पहले कंपनी क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊंगा, क्रिएट कंपनी पे जाकर मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ अकाउंट्स प्राइवेट लिमिटेड, एंटर प्रेस कर दूंगा, मेरी कंपनी का नाम है, एड्रेस डाल देता हूँ घाटमपुर कानपुर नगर, एंटर प्रेस कर देता हूँ। बाकी जो भी डिटेल्स हैं अगर आप स्टेट डालना चाहते हैं उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। आगे चल के अभी GST वगैरह जितने भी टॉपिक्स होंगे सारा कुछ मैं इसी कंपनी पे करूंगा, तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना बना के आगे बढ़ जाता हूँ। बाकी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी हम कोर्स बढ़ते जाएंगे आगे और हम सारी सेटिंग्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे पिन कोड मैं अपना डाल देता हूँ 2092 06, मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर आपके पास जो भी हो वो सारा डाल के आप आगे बढ़ जाइए। फिलहाल जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो अगली स्क्रीन पे आपसे बोलेगा कि आप GST कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। फिलहाल अभी हमें GST का यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने शुरुआत की है, पहले हम एग्जैक्टली अकाउंटिंग सीख लेते हैं बिना GST, फिर साथ में हम GST भी पढ़ेंगे। तो GST के अंतर्गत या GST के लिए जो और जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी मैं इस विंडो पे कुछ नहीं करता हूँ, स्केप करता हूँ और बाहर चला जाता हूँ। अब आप इस स्क्रीन पे पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना था आपको लेजर्स बनाने थे। तो अगर आपको याद हो तो जितने भी लेजर्स हमने बनाने हैं वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो लेजर्स में सबसे पहला कंप्यूटर था, फिर फर्नीचर था, लैंड थी, बिल्डिंग थी, मशीन थी, SBI एंड BOP, एक एक करके बनाते हैं। तो बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उसके लिए आपको क्रिएट पे ही जाना होगा, क्रिएट पे जाइए और लेजर्स पे चले जाइए। लेजर्स पे जाने के बाद आपका सबसे पहला था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बनाइए, एंटर प्रेस करिए, एंटर प्रेस करिए। फिक्स एसेट्स था तो फिक्स एसेट्स कर दीजिए और बाकी बहुत कुछ मत करिए, कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। ये पहला आपका बन गया। अगला फर्नीचर है तो फिर से यहाँ से हम अगला फर्नीचर टाइप करते हैं, फर्नीचर, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से ये भी फिक्स एसेट्स होगा, सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल लेकर के पास कर दूंगा। अगला आपके पास था लैंड, तो यहाँ से मैं लैंड टाइप करूंगा, नेम लेजर का लैंड, एंटर प्रेस करूंगा और फिक्स एसेट रखते हुए मैं इसको भी सेव करा देता हूँ। अगला हमारे पास जो था वो था बिल्डिंग, तो यहाँ से मैं बिल्डिंग टाइप करूंगा, BULDING बिल्डिंग, एंड देन फिक्स एसेट रखते हुए इसको भी मैं सेव करा देता हूँ, कंट्रोल ए उसका शॉर्टकट होता है। अगला जो आपका लेजर है वो क्या होगा, वो मशीन था तो आप मशीन बनाएंगे, ये भी आपका फिक्स एसेट रहेगा, तो मैं यहाँ से मशीन टाइप कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, फिक्स एसेट रखते हुए इसको सेव करा देता हूँ। अगला कौन सा है, तो फिर आपका SBI और BOB दो ही बचे हैं, तो आप यहाँ से SBI टाइप करिए, एंटर प्रेस करिए, BOB यहाँ से बैंक अकाउंट रहेगा आपका इस बार, कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। और आपका लास्ट बचा है BOB, आप BOB टाइप कर लीजिए, चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर इतना, और बाकी आपका बैंक अकाउंट रखना है, कंट्रोल ए करके उसको सेव करा दीजिए। अब यहाँ से आप बाहर आ जाइए, आपको यहाँ पे एंट्रीज को देखते जाइए। अब सबसे पहली एंट्री आपको पास करनी है बाई कंप्यूटर अकाउंट 50,000 rupees टू कैश अकाउंट 50,000 rupees। पास करने के लिए क्या करना है आपको, तो बेसिकली इतना समझ लीजिए कि यहाँ से आपको स्केप करते हुए बाहर आना है। ये आ गए आप गेटवे टैली पे। लेजर्स पहले हमें बनाने होते हैं क्रिएट पे जाके। जितनी भी एंट्रीज पास की जाती हैं टैली प्राइम में ऐसे या फिर टैली के कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो सारी की सारी एंट्रीज वाउचर्स के अंतर्गत पास की जाती हैं। फिलहाल हम वाउचर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको बस मैं एंट्रीज थोड़ी बहुत पास करके बता देता हूँ ताकि आप साथ ही साथ लैब और थ्योरी दोनों एक साथ करते जाएं। तो अब हमें यहाँ से जाना है वाउचर्स पे, एंटर प्रेस कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा तो कोर्स में ही मैंने बताया था कि एंट्रीज दो प्रकार से आप कर सकते हैं, डेटा आप दो प्रकार से एंटर कर सकते हैं, चाहे तो सिंगल मोड कर दें चाहे तो डबल मोड कर दें। अगर आप डबल मोड करते हैं तो आपको CRDR यानी BY2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आप सिंगल मोड करते हैं तो फिर सिंगल मोड में BY2 नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे नीचे चेंज मोड दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको सिंगल या डबल, बाय डिफॉल्ट डबल रहता है, हम डबल ही रखेंगे भी। अब पहली एंट्री पास करनी है तो पहले तो हम ये समझेंगे कि जब मैंने कंप्यूटर परचेज किया है तो क्या मुझे पैसा देना पड़ा है। हाँ, क्योंकि बाय कंप्यूटर टू कैश है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पहली एंट्री जाएगी वो पेमेंट में ही जाएगी। यहाँ पे एक तरफ देखेंगे आपको सारे वाउचर्स दिखाई देंगे, तो मान लीजिए पेमेंट था, अगर ना होता, मान लीजिए यहाँ पे होता, तो सबसे पहले उसके लिए हमें यहाँ से F5 या तो अपने आप कीबोर्ड से F5 कर दीजिए या फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब बाय में आपको कंप्यूटर सेलेक्ट करना है,
तो यहाँ से देखिए, ये नाम पहले से ही आपने लिख रखे हैं, आपने लेजर्स बना लिए हैं तो वो यहाँ पे शो करेंगे। आपको लिखना नहीं होगा, बस आपको कीबोर्ड में एरो बटन का इस्तेमाल करना है, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब प्राइस जाके वहाँ पे चेक कर लीजिए कितना है। तो पहली एंट्री में 50,000 रुपीज़ का यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ पे 50,000 रुपीज़ एंटर कर देंगे। एंटर प्रेस करूँगा। अब टू वाले पोर्शन में कैश था तो सी दबाइए, कैश आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। और इस तरीके से आप कंट्रोल ए दबाकर इसको पास कर दीजिए। पहली एंट्री हो गई आपके पास। अगली जाके देख लीजिए एंट्री क्या थी। तो अगली एंट्री आपकी ये पूरी लिखी हुई, यहाँ पे लिखा हुआ बाय कंप्यूटर टू फर्नीचर टू कैश, यानी बाद में अगर देखेंगे कंप्यूटर खरीदा है 50 का, यहाँ पर हमने फर्नीचर 30 का बेचा है, तो 30 का तो फर्नीचर चला गया 50 के बदले, अभी 20,000 हमें और कैश देना पड़ा है, तो कुल मिला के हमें फिर भी पेमेंट करना पड़ा है। तो पेमेंट करना पड़ा है तो ये भी पेमेंट में ही जाएगी। तो यहाँ से हम बाय में पहले कर लेते हैं क्या, एक बार फिर से देखता हूँ, कंप्यूटर ही था 50,000 रुपये का, तो मैं यहाँ से कंप्यूटर फिर से सेलेक्ट करता हूँ, 50,000 रुपये, एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर अगर आप कैश कर देंगे तो कैश बराबर हो जाएगा, जबकि 50,000 रुपये कैश नहीं दिया है आपने, उसमें से 30,000 रुपये का फर्नीचर दिया है। तो यहाँ से सेलेक्ट करिए फर्नीचर कितने का है, 30,000 रुपये का, तो अब 30 कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब बाकी बचा हुआ कैश ऑटोमेटिक ले लेगा। तो देखिए 50 का ये फर्नीचर डेबिट में है और दोनों मिला के क्रेडिट में है, हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर रहते हैं। कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री भी पास हो गई है। अगली एंट्री देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फर्नीचर यहाँ पे बेचा गया है कितने का, 30,000 रुपये का, और कैश मिला है। इस बार समझिए, आपने जब किसी को फर्नीचर बेचा है तो आपको पैसे इस बार रिसीव होंगे, तो इस बार आपकी ये एंट्री रिसिप्ट में जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम रिसिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे, रिसिप्ट सेलेक्ट करेंगे और फर्नीचर बेचा है तो 2 में फर्नीचर जा रहा है आपका, फर्नीचर माइनस हो रहा है, कितने का जा रहा है, 30,000 रुपये का। तो आपने 30,000 रुपये यहाँ पे एंटर कर दिया और इस बार बाय में कैश आ जाएगा आपका। तो कैश सेलेक्ट करके बस कंट्रोल ले करके आप इसको सेव करा दें। ये हो गई आपकी अगली एंट्री। अगली देख लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे इस बार क्या है, इस बार लैंड खरीदी गई है 5 लाख की और बिल्डिंग बेची गई है 15 लाख की, जिसमें से कैश आपको देखिए यहाँ पर ये प्लस हुआ है, ये प्लस हुआ है और ये माइनस हुआ है, यानी कि बिल्डिंग माइनस हुई 15 लाख की, कैश प्लस हुआ 10 लाख और लैंड प्लस हुआ 5 लाख। कुल मिला के कैश बढ़ गया है आपको, आपको 10 लाख रुपये कैश मिल गया है, चूँकि आपने 15 लाख की बिल्डिंग बेची है और उसके बदले आपने 5 लाख की तो एक लैंड खरीद ली और 10 लाख रुपये कैश, तो कैश आपके पास आ गया है कुल मिला के, तो आपको रिसिप्ट हुआ है। तो आपको सबसे पहले रिसिप्ट सेलेक्ट करना है, सिलेक्टेड है। अब 2 में क्या हुआ है, तो पहले 2 वाला पोर्शन डाल दीजिए, बिल्डिंग ही थी, कितने की थी, 15 लाख की, तो यहाँ से 15 लाख रुपये एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब बाय में लैंड था 5 लाख, तो पहले अब लैंड यहां सेलेक्ट कर लीजिए, कितना था, 5 लाख, तो 5 लाख भर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब बाकी का कैश कर दीजिए, तो यहां से मैं कैश कर देता हूं, तो पैसे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, एंटर कर दीजिए और कंट्रोल लेकर के इसको भी सेव करा दीजिए। अब देखते हैं अगली एंट्री, यहां पे नीचे देखिए, इस बार क्या किया है, मशीन इस बार खरीदी है, फर्नीचर बेचा है, मशीन खरीदी 10 लाख की, फर्नीचर खरीद बेचा है 50,000 रुपये का। तो कुल मिला के जब आप मशीन खरीदेंगे 10 लाख की, तो आपको 10 लाख कैश देना पड़ता, लेकिन उसमें से आपने 50,000 रुपये का फर्नीचर दे दिया है, तो 9,50,000 फिर भी आपको कैश देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंट्री भी आपकी पेमेंट में चली जाएगी। थोड़ी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के हमें प्रैक्टिस होगी इसकी, तो हम पेमेंट पर डाल देते हैं। अब मशीन खरीदी थी, सबसे पहले यहाँ से मैं मशीन सेलेक्ट करता हूँ, मशीन कितने की थी, 10 लाख रुपये की, तो यहाँ से 10 लाख रुपये आपको फिल कर देने हैं। अब फर्नीचर पहले इसके बदले आपने दिया भी है, फर्नीचर कितने का दिया है, 50,000 रुपये का, तो आप 50,000 रुपये फिल कर दीजिए और बाकी आपको कैश देना पड़ा है, तो यहाँ से आप कैश सेलेक्ट कर लीजिए और ऑटोमेटिक बाकी आपका सामने एवरेज होके आ जाएगा। कंट्रोल लेकर के इसको भी सेव करा दीजिए। ये एंट्री भी आपकी हो गई। अब लास्ट वाला जो आपका बचा है, वो आपको क्या करना है, SBI बैंक से BOB में ट्रांसफर करना है। समझने वाली बात है, क्या आपने किसी को दिया, नहीं, आप ही का पैसा था, आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर लिया, क्या आपको किसी ने पैसा दिया, नहीं, तो इसको हम कॉन्ट्रा में रखेंगे। जब हम किसी को पैसा नहीं देते, ना किसी से लेते हैं, और अपना ही पैसा अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में, बैंक से निकालते हैं, बैंक में डालते हैं, ये सारा आपका कॉन्ट्रा में रहता है। तो आपको सबसे पहले कॉन्ट्रा सेलेक्ट करना है, या तो आप F4 कर सकते हैं, और इसके बाद आपका जिस भी बैंक से पैसा निकला है, तो पहले जो भी बैंक कम हुई है, तो BOB कम हुई है, कितनी कम हुई है देख लेते हैं, 5 लाख रुपये, तो आपको यहाँ पे 5 लाख फिल कर देना है, एंटर प्रेस कर दीजिए। चेक के थ्रू हुआ है, बाकी फिलहाल अब इन डिटेल्स को छोड़ दीजिए, इसके बाद SBI में आ जाइए और यहाँ से कंट्रोल ए करते हुए आप इसको सेव करा दीजिए। तो इस तरीके से आपने सारी के सारी एंट्रीज पास कर ली हैं टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में। तो लैब और थ्योरी दोनों ही एक साथ करते जाते हैं। ये आपका पहला एक्सरसाइज खत्म होगा, जहाँ पर हमने एसेट्स तक को समझा है।
अब यहाँ पे कुछ एंट्रीज आपके सामने दे रखी हैं, आपको क्या करना है, आपको इन एंट्रीज को बनाना है। अगर आपने प्रीवियस जितना भी लेसन मैंने आपको बताया है वो आपने अब तक बहुत कायदे से देखा है तो इसको आप बड़े ही आसानी से बना लेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन सारी के सारी एंट्रीज को पेपर उठाइए, पेन उठाइए और बनाने की कोशिश करिए। इसके बाद आगे बढ़िए तो इन एंट्रीज का जो भी बनेंगी जनरल एंट्रीज वो भी आपको मैं सोल्यूशन पे दे दूंगा। तो पहले तो खुद से ट्राई करिए और फिर देखिए आप कितना इसको सही कर पा रहे हैं। तो अगर हम एसेट्स के टाइप्स की बात करें तो एसेट्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है करंट एसेट्स, दूसरा है नॉन करंट एसेट्स और तीसरा है फिक्टिटियस एसेट्स। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा साल के अंदर ही ले लिया जाएगा, इन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। कुल मिला के आप इतना समझ सकते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चल संपत्ति, वो संपत्ति जो चलायमान है, जो मूवेबल है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी आपके पास अगर करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, अगर आपके बैंक अकाउंट्स में से करंट या सेविंग दोनों में से कोई भी है तो इसे हम चल संपत्ति कहते हैं, क्योंकि ये पैसा निरंतर घटता या बढ़ता रहता है। वही कैश इन हैंड जो आपके तिजोरी में जो पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास अवेलेबल कैश है, वो भी करंट एसेट्स का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बढ़ता या घटता रहता है। ऐसे ही अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, कोई डेप्टर है, तो वो भी आपका करंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि वह आपको साल के अंदर ही पैसे वापस कर देगा। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, यानी अभी आपने किसी एक्सपेंस का पेमेंट किया है जो कि अभी आपने यूज भी नहीं किया, तो उनको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, वो भी हमारे करंट एसेट्स के ही हिस्से हैं। ऐसे ही आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है या अदर लिक्विड एसेट्स है तो उन्हें हम सब करंट एसेट्स में रखेंगे। स्टॉक के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो अगला है नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं, यानी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला एसेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अचल संपत्ति, यानी जो मूवेबल नहीं है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फिक्स एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा साल के अंदर तो लिया ही जाएगा, साथ ही साथ साल के बाद भी लिया जा सकेगा। ऐसे एसेट्स जो काफ़ी लंबे समय तक यूज होने वाले हैं वो सारे आपके फिक्स एसेट्स के हिस्से होते हैं। इसमें एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर है, साल भर तो आप उसका यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन साल भर के बाद भी यूज़ करेंगे क्योंकि कंप्यूटर तो साल भर की वारंटी के साथ आता है। ऐसे ही कंप्यूटर का कोई इक्विपमेंट है, कोई पार्ट है, तो वो भी आपका फिक्स एसेट्स में ही आएगा। कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फर्नीचर है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई टूल्स है, कोई मशीन है, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं, जिनको हम अचल संपत्ति कहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, या कोई सॉलिड एसेट्स है, तो ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट माने जाते हैं। तो आई होप आपने अब तक वो एंट्रीज बना ली होंगी। चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री थी हमारी, फर्म ने परचेज किया है कंप्यूटर 50,000 रुपये का और बेचा है फर्नीचर 30,000 रुपये का। तो क्या बनाना था यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। पहला है कंप्यूटर आपने परचेज किया है तो कंप्यूटर बढ़ेगा आपका, तो बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज़, उसके बदले आपको कैश देना पड़ा है तो टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। वहीं अगले में क्या हुआ है, अगले में आपके पास से फर्नीचर बेचा गया है तो इस बार फर्नीचर माइनस होगा और कैश प्लस होगा, तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट आ जाएगा 30,000 रुपीज़ और टू में फर्नीचर आएगा 30,000 रुपीज़। इस एंट्री को अगर हम मर्ज करके लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक तरफ आपका आया है कंप्यूटर, इसको मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पे 50,000 रुपीज़, और इसके बाद आपका फर्नीचर मैंने लिख दिया 30,000 रुपीज़। अब यहाँ जब हम कैश की बात करेंगे, कैश को हम आपस में एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का कैश है 50,000 और प्लस का कैश है 30,000। इसका मतलब ये माइनस का ही बचेगा कितना, 20,000 रुपये। यहाँ पर 20,000 आएगा, बाय मिस्टेक 30 लिखा हुआ है, 20,000 रिजल्ट में आएगा। तो आपको जो फाइनल एंट्री बनेगा वो बनेगा बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 रुपीज़, टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 रुपीज़ एंड टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज़। अगली एंट्री थी जिसमें पैसे जमा करने थे आपको SBI बैंक में, तो जब आप SBI बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा। तो बैंक बढ़ा है तो बाय SBI कर दिया 50,000 रुपीज़, उतना ही कैश घटा लिया तो टू में कैश कर दिया 50,000 रुपीज़। अगली एंट्री जस्ट अपोजिट है, जिसमें हमें विड्रॉ करने हैं SBI बैंक से, कितने, 50,000 रुपये। तो 50,000 कैश बढ़ा लीजिए बाय कैश 50,000 और
SBI घटा लीजिए 50,000, तो 2 SBI 50,000 rupees। अगली एंट्री आप देखेंगे, आप लिखा हुआ है फर्म परचेज्ड बिल्डिंग ऑफ 10 lakh, हाफ अमाउंट पेड बाय SBI एंड हाफ बाय कैश। बिल्डिंग आपकी 10 लाख की आपके पास बढ़ी है चूंकि आपने परचेज किया है, तो बाई बिल्डिंग 10 लाख हो गया। आधा यानी 5 लाख SBI में पेमेंट किया तो बैंक घट गया आधा, तो यहाँ पर माइनस कर दिया यानी 2 कर दिया, 2 SBI अकाउंट और 2 में बाकी कर दिया कैश अकाउंट 5 लाख रुपए। तो ये आपकी फाइनल एंट्री बन गई। अगली है फर्म ने बेचा है, सोल्ड किया है 10 लाख का यहाँ पर लैंड, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिसीव 5 लाख रुपीज रिसीव बाई SBI चेक एंड 5 लाख रिसीव्ड बाई BOB चेक। यानी क्या हुआ है, यहाँ पे आधे पैसे BOB चेक में और आधे पैसे SBI चेक में रिसीव किए गए हैं। तो कुल मिला के लैंड यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए 10 लाख का, SBI कर दीजिए 5 लाख का, और 5 लाख का ही BOB भी आएगा, बाय मिस्टेक कैश लिखा हुआ है, नोट्स में मैं करेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे 5 लाख ये आपकी एंट्री बन जाएगी। अगली है फर्म ने परचेज की है टूल्स 5,000 rupees के और परचेज किया है कंप्यूटर 50,000 rupees का। तो दोनों चीज़ें परचेज की हैं, दोनों चीज़ें ही बढ़ जाएंगी और उसके बदले कैश माइनस हो जाएगा। तो बाय टूल्स अकाउंट 5,000, बाय कंप्यूटर अकाउंट 50,000 एंड टू कैश अकाउंट 55,000। तो इस तरीके से ये आपकी सारी एंट्रीज बननी थी। आई होप आपने बनाई भी होंगी सही से। अगर कोई गलती है या कोई डाउट है तो आप कॉमेंट पर लिख सकते हैं, मैं दोबारा से उस पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बता दूंगा।